गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 6 मैं लेके आई हूँ अज तुहाडे सामने, नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत मेहनत की है इस टॉपिक पर, मैं थोड़ी जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है कि तुहानू ईच एंड एवरीथिंग इस टॉपिक की क्लीयर हो जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, लेक्चर 6 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा ध्यान ना देखियो इनू, लेट अस टेक अबाउट नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तुहानू सब नू पता है मैं गल कीती सी फंक्शनल ग्रुप्स दी, उना दे फॉर्मूले दी। बेटा अल्कोहल, मैं उदन भी गल कर रही सी कि बार बार तुहानू कोरोना वायरस च कह रहे हैं कि 70% अल्कोहल दे सैनिटाइजर ना हाथ धोवो, ते विच इज दैट अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल जिदा फॉर्मूला, जिदा यू कैन से जिदे लिए आप यूज करते हैं सिंबल OH, एल्डिहाइड्स, उदन भी मैं तुहानू याद कराए सी CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कीटोन C" O, डबल बॉन्ड एल्कीन ली तुहानू पता है कि डबल बॉन्ड ली कार्बन कार्बन विच डबल बॉन्ड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड च ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। बेटा एक गल तुसी ये याद रखनी है कि जे ए वाले फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन चेन नाल लगे होन तां कार्बन दे पिछे सफिक्स एज अ सफिक्स उन्हां दे पिछे यूज होणगे कि नाम दे अगे यूज होणगे। जे मैं गल करां नाम दे पिछे यूज होण वाले लाइक अल्कोहल, ते कार्बन चेन दे पिछे OL लग जाएगा। जे एल्डिहाइड्स की गल करा ते कार्बन चेन पिछे AL लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की गल करा ते कार्बन चेन पिछे ओइक एसिड लग जाएगा। ते कीटोन की गल करा ते ओन लग जाएगा। दीज ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज सफिक्स, बार बार कह रही हाँ सफिक्स 75 75। बट जे मैं हैलाइड्स की गल करा, उदन भी आप हैलोजनस की गल की सी, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, जे इन्हां दे नॉमनक्लेचर जे इन्हां नू बेसिकली देखिए तो ये कार्बन चेन्स के अगे लगते हैं, अगे यानी दीज यूज एज अ प्रिफिक्स PREFIX, प्रिफिक्स, प्रिफिक्स मीनस अगे तो सफिक्स मीनस पिछे। ये बहुत डिपेंड करता है कि तुहानू अल्कोहल लई पता होवे OL आता है, एल्डिहाइड्स लई AL आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लई OIC एसिड आता है, कीटोन्स लई ONE ओन आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टेप्स। बहुत अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं बनाई है ताकि तुहानू स्टेप वाइज नॉमनक्लेचर की एक एक गल समझ आ जाए। लेट अस टेक आर फर्स्ट स्टेप, नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड वट इज स्टेप फर्स्ट। पंजाबी मीडियम पहला स्टेप नामकरण का की है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। आई टेक द पेन हेयर बिकॉज तुहानू ईजीली समझ आ जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। कार्बन एटम्स दे नंबर नू आइडेंटिफाई करो कि चेन विच किन्ने ज़्यादा तुहाडे को कार्बन एटम है, लाइक एक है, दो है, तीन है, चार है। हुण जिद्दां मैं चेन कह रही हूँ 1 2 3, हेयर आई टेक 1 कार्बन एटम, हेयर आई टेक 2 कार्बन एटम, हेयर आई टेक 3 कार्बन। ओके, हेयर वी आई टेक ऑल द कार्बन एटम्स। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। चेन च आइडेंटिफाई करो कि किन्ने कार्बन एटम्स ने, एक है, दो है, तीन है। ओके, ये तुसी कर लोगे। हुण जिदा इहदे च 3 है, मैं तुहानू बार बार दस्या सी, 1 लई मिथ, 2 लई इथ, 3 लई प्रोप, और इहदा मतलब इट इज प्रोपेन। आपां इत्थे लिख सकदे हां कि इहदे विच 3 कार्बन है, देयरफोर इट इज प्रोप। ते एन क्यों लिखिया बेटा मैं, बिकॉज इट हैज सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड। जे यही डबल बॉन्ड हुंदा ते इट इज प्रोपीन, जे यही ट्रिपल बॉन्ड हुंदा ते इट इज प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। नाउ द स्टेप सेकंड, पहला स्टेप तुहानू सारयां नू समझ आ गया, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। नाउ टेक अ स्टेप सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू पीपल, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। केड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा है,
इज अल्कोहल इज विद द कार्बन चेन, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, के हैलाइड है। दूजी गल, फंक्शनल ग्रुप की पहचान करन तो बाद तुसी ये देखना है कि की वो फंक्शनल ग्रुप पिछे लगता है कि अगे लगता है। इज दैट फंक्शनल ग्रुप इज यूज एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, कि देखो सफिक्स लावांगे कि प्रीफिक्स लावांगे। डबल बॉन्ड है तो ईन लावांगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई आयन लावांगे। स्टेप टू इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कल्ली कल्ली एग्जाम्पल बेटा मैं तुहानू दवांगी। नाउ वट इज नैक्सट, नैक्सट इज आर स्टैप थ्री, दिस इज आर स्टैप थ्री। वट इज स्टैप थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैप। इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, अगर वो फंक्शनल ग्रुप लगना है जो पिछे लगना है, पिछेतर लगना है, तो कार्बन चेन नू एदा मॉडिफाई करना है कि जेड़ा पिछे ई लगा है उसनू हटा देना है। किद्दां? एग्जाम्पल्स नाल बेटा समझावांगी ईच एंड एवरीथिंग। देखो अलकेन है, ए एल के एन ई, एल्केन हो सकता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, यूर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अलकेन प्लस सफिक्स, अलकेन मान लो तुहाडा प्रोपेन है, तो सफिक्स तुसी ओ लाना है जो पिछे लगना है। मान लो अल्कोहल लाना है, ओ एल लाना, तुसी ओ एल सफिक्स लाना, तो अल्केन दा आ वाला ई, दिस ई, ए अल्केन दा उड जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, ए अल्केन दा ई खत्म हो जाएगा, एंड यू जस्ट राइट अल्केन प्लस सफिक्स, अल्केन प्लस सफिक्स। किद्दां? देखो तीन कार्बन एटम दी असी चेन लई सी, वन टू एंड थ्री, वी नेम इट प्रोपेन, आपां लिखता क्योंकि साडे अकॉर्डिंग तीन कार्बन एटम है, सारे सिंगल बॉन्ड है, वी राइट इट प्रोपेन। बट वट हैपन जे इस एच की जगह ओ एच लगा होवे, वट हैपन इस एच की जगह ओ एच लग गया, बेटा इस एच की जगह की लग गया, केड़ा फंक्शनल ग्रुप लग गया, ओ एच, और उदे लिए सफिक्स केड़ा लगता है, ओ एल, यानी प्रोपेन दा ई खत्म हो गया और ई दी जगह की लग गया, ओ एल, की लग गया, ओ एल। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन दिस, देन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स लगता है के प्रीफिक्स लगता है, जे फंक्शन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स लगता है यानी पिछेतर लगता है, तो अल्केन दे नाम चो ई नू खत्म कर दो, यानी फिर उदा नाम प्रोपेनियोल नहीं आएगा, उदा नाम आएगा प्रोपेनोल, ई खत्म हो गया और ई दी जगह किन्ने लली, ओ एल ने। अगला फंक्शनल ग्रुप देखांगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लई सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का तुहाडा जिहड़ा मैं रेड वाला कीता, ठीक है, सब तो पहले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लाण नाल साडी प्रोपेन चेन च एक कार्बन वध गया। लेट अस गिव द नंबर टू द कार्बन एटम, दिस इज आर वन, दिस इज टू, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री कार्बन एटम एंड दिस इज आर फोर कार्बन, ओके। You people clear that there are four carbon atoms. इदा मतलब chain दा नाम की हो गया? Chain दा नाम हो गया butane. और butane दे पिछे E उड़ जाएगा भी, E खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जेड़ा carboxylic acid है, वो suffix लगदा है, पिछे लगदा है। इदा मतलब साडे को की नाम हो गया? Butanoic acid. Butane दे E दी जगह किन्ने लली? ओइक एसिड ने। लेट अस टेक अनदर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला होता है सी एच ओ। बेटा रेड वाले मैं फॉर्मूले दर्शाए है, तो सफिक्स की होता है ए एल, एल्डिहाइड लई केड़ा सफिक्स यूज होता है ए एल। हुण देखो ये साडी कार्बन चेन,
ठीक है, दिस इज आर कार्बन चेन और ए सी डबल बॉन्ड ओ एच है। चेन दे नाल साडे को की है ब्यूटेन, चेन दे नाल साडे को की है ब्यूटेन, ते सफिक्स की लगा है ए एल अल, सफिक्स की लगा है अल, एदा मतलब इस दा नाम की बनेगा, ब्यूटेन दे पिछो ई चला जाएगा एंड द नेम इज ब्यूटेनल, नेम इज ब्यूटेनल। ओके नाउ नेक्स्ट इज कीटोन ग्रुप सी ओ, ओन ओन एज अ सफिक्स, और तुहानू इह पता है कि जिहड़ा कीटोन हुंदा है ओह दो कार्बनस दे विच आंदा है, देखो विच आंदा है दोनों कार्बनस दे विच, चेन साडी प्रोपेन दी सी ओहदे विच इक कीटोनिक ग्रुप आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वध गए, इक दो तीन चार, नाम होना सी ब्यूटेन बट नाम की हो गया ब्यूटेओन, ब्यूटेओन, ओन इज अ सफिक्स यूज्ड फॉर कीटोन। ओके इत्थे तक गल कीती मैं सफिक्स दी, मैं गल कीती हाइड्रोक्सल ग्रुप दी जिन्नू तुसी अल्कोहलिक ग्रुप कहंदे हो, मैं गल कीती कार्बोक्सिलिक ग्रुप दी जिन्नू तुसी ओइक एसिड कहंदे हो, मैं गल कीती एल्डिहाइड्स दी जिन्नू तुसी अल कहंदे हो, ते कीटोन दी जिन्नू आपां ओन कहंदे हां। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड हैलाइड्स, हैलाइड्स लाइक फ्लोरीन क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये पिछे नहीं लगते बेटा जी, ये पिछे नहीं लगते, ये अगे लगते ने, इहदा मतलब इहदे चो रूल फॉलो नहीं होएगा ई हटन वाला, क्योंकि ई हटन वाला रूल सिर्फ उदो फॉलो होना है जदों सफिक्स लगते ने, पिछे लगते ने, ठीक है। प्रीफिक्स च की होएगा, आ देखो हुण मैं की कीता जी, कार्बन चेन दी एक चेन लई उहदे चो तुहाडा एच हटा के बी आर ला दिता, ठीक है, बी आर लाता, चेन सी ब्यूटेन दी, प्रीफिक्स की हो गया ब्रोमो, ब्रोमो हो गया जी, ब्रोमो यानी ब्रोमीन, ते नाम की बनया ब्रोमो ब्यूटेन। हुण नहीं असीं लिखिया ब्यूटेन ब्रोमो, नहीं लिखिया बेटा, क्यों, क्यों, क्योंकि ब्रोमो यूज एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। हुण ब्रोमो दी ते मैं एग्जाम्पल ले ली, पर लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लोरो ऑल्सो हेयर, सेम तुहाडे को कार्बन चेन है, हुण सिर्फ असीं ब्रोमीन दी जगह की लाता क्लोरीन, आ रहा साडा क्लोरीन, ते चेन की होगी साडी ब्यूटेन, प्रीफिक्स की हो गया क्लोरो, ते नाम की हो गया क्लोरोब्यूटेन, नाम की हो गया क्लोरोब्यूटेन, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, जे तुहानू नाम आंदे है तां तुसीं कोई भी चीज़ आसानी नाल कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, जिहड़ी मैं एक लई सी, दैट इज डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स अलकाइंस सफिक्स ईन और प्रोपीन। बेटा इहदे लई तुसीं स्टार्टिंग च स्टैप लै लेना, स्टार्टिंग च की स्टैप लै लेना तुसीं, कि अगर तुहाडी चेन, जिथे मैं प्रोपेन्स दियां एग्जाम्पल लई हां, अगर तुहाडी चेन दे विच डबल बॉन्ड जां ट्रिपल बॉन्ड किते भी है तो तुसीं उहदा नाम प्रोपीन दे देना, ते अगर तुहाडी चेन दे विच ट्रिपल बॉन्ड है तो जस्ट उहदा नेम प्रोपाइन दे देना, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम योर बुक, ठीक है, पंजाब स्कूल एजुकेशन दी बुक दा ही पेज एज सच मैं लिया है। बेटा हुण देखो जदों प्रोपीन है उहदी जगह अगर आपां एच दे नाल ओ एच लाने हां तां उत्थे नाम प्रोपेनोल, प्रोपीनोल आ जाएगा, यानी ई एन ओ एल। ओके ओ तुसी फिर देख लियो कि आपां प्रेफरेंस किन्नू देनी है डबल बॉन्ड नू किद्दां, ओ थोड़ा हाई लेवल दी नेमिंग आ जांदी है जो मोस्टली प्लस वन च है। जिहड़े बच्चे ने ए नेमिंग सीख ली है उन्हूं प्लस वन च हायर नेमिंग सीखण लई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक गल होर इत्थे मैं तुहानू कहांगी कि स्टार्टिंग चो जिहड़ी आ नेमिंग है यही तुहाडे अगे इस चैप्टर च आपां कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, उच बार बार आपां यूज़ करांगे इथेनल, इथेनोइक एसिड, दिस एसिड, बेटा वो समझ ते उदों ही आएगा जदों वी नो अबाउट द कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा जिहा इत्थे मैं एक वारी जल्दी जल्दी तुहाडी रिविजन करवा दा, व्हाट इज़ आर फर्स्ट स्टैप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन,
किन्ने कार्बन एटम हैं। नाउ योर सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केड़ा फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स लगना है, प्रीफिक्स लगना है, सफिक्स लाना है ते पिछे लाना है, प्रीफिक्स लाना है ते अगे लाना है। नाउ स्टेप थर्ड, जे पिछे वाला सफिक्स है तो ई नू उड़ा दो, ई नू उड़ा के नाम बना लो। नाम की बना लो, प्रोपेनोल। नाम की बना लो, ब्यूटेनोइक एसिड। नाम की बना लो, ब्यूटेनल। नाम की बना लो, ब्यूटेनोन। दीज ऑल आर ऑफ सफिक्स। जे प्रीफिक्स की गल करिए तो नाम की बनाओगे, ब्रोमोबिटेन, क्लोरोब्यूटेन, आइडोबिटेन, फ्लोरोब्यूटेन, इट इज अप टू यू। और एक गल होर ध्यान रखनी है कि जे कितने डबल बॉन्ड है तो नेम चेंज हो जाना एज अ ईन, जे कितने ट्रिपल बॉन्ड है तो नेम चेंज हो जाना एज अ आयन। ओके बेटा, नाउ दिस इज योर असाइनमेंट, नोट योर असाइनमेंट जल्दी जल्दी। टूडेज असाइनमेंट इज हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। फर्स्ट कंपाउंड यू जस्ट राइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, इन सेकेंड स्टेप, वट इज योर सेकेंड स्टेप? सी द फंक्शनल ग्रुप, सी इट बेटा, ये अगे लगेगा कि पिछे? एक हिंट देना थानू, चलो ये अगे लगेगा। कार्बन चेन किन्नी है? दो, दो ली वी यूज इथ। सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ जी सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमो ईथेन। ओके, हुन सेकेंड च तुहानू थोड़ा जिहा देखना पएगा इह किहड़ा फंक्शनल ग्रुप है, थर्ड च भी देखना पएगा ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। नाउ इट इज़ अप टू यू, दिस इज योर असाइनमेंट। बेटा बहुत अच्छी तरह, बहुत टाइम लैके मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है कि तुहाडे कुछ तो मतलब तुहानू क्लीयर हो जाए टेंथ दे विच ही कि वट बेसिकली नेमिंग इज। ओके, थैंक्स यू पीपल टू वॉच दिस, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज वी कॉन्टिन्यू आर लेक्चर्स, वी कॉन्टिन्यू आर सीरीज। नाउ टुमारो आई एल विद न्यू टॉपिक ऑफ यूअर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। पर उतो पहले मेरा थानू यही होमवर्क है, जल्दी तो जल्दी तुसी अपनी असाइनमेंट करके मैनू फोटोज क्लिक करके भेजो। थैंक यू सो मच।